गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सर मंदार, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट यूएस 2। स्टूडेंट्स, कल हमने लेसन पढ़ा था व्हाट इज हिस्ट्री, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और वो लास्ट पॉइंट पढ़ा था पास्ट एंड द फ्यूचर, पास्ट में क्या होता है और फ्यूचर में क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। और इम्पोर्टेंट आपको होमवर्क दिया था मैंने कंबाइंड बुक में लिखने के लिए, राइट? तो वो होमवर्क के आंसर में आपको आज आपको उसके फोटो निकल के आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा ग्रुप में इस लेक्चर के बाद। पहले हम चैप्टर नंबर 2 लर्न करेंगे, उसके बाद मैं आपको लेक्चर होने कंप्लीट होने के बाद आपको मैं फोटो सेंड करूंगा चैप्टर नंबर 1 के। आप वो कॉपी करके अपने कंबाइंड बुक में आपको लिखना है विथ योर पेन, आपको पेन से वो आंसर लिखने हैं मैं जो मैं आपको फोटो निकाल के दूंगा वो। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर, चैप्टर नंबर 2, हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अभी हिस्ट्री और टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है इस लेसन में हम देखेंगे, और ये लेसन 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन। टाइम को डिवाइड किया है और उसके टाइम लाइन है। सेकेंड पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। टाइम को कैसे मेजर किया है, टाइम यानी कि समय, उस समय को कैसे मेजर किया है और टाइम का क्या मेथड है मेजरिंग का, वो है। थर्ड इज हिस्टोरिकल पीरियड। अभी हिस्टोरिकल पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ था ये भी है। फोर्थ है साइंटिफिक पॉइंट, साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम एंड इस्टेब्लिशिंग एज डेटिंग। अभी साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग, मेजरिंग टाइम एक साइंटिफिक मेथड से भी है और इस्टेब्लिशिंग एज डेटिंग और एज के हिसाब से है। ये 4 पॉइंट इस लेसन में है। तो फर्स्ट पॉइंट यू विल सी डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन, टाइम को कैसे डिवाइड किया है। देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम, टाइम इज कंटिन्यूस। अलग अलग मेथड है टाइम को डिवाइड करने के लिए और टाइम इज कंटिन्यूस यानी कि समय चलता ही रहता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है ना समय कभी रुकता है, समय हमेशा चलता ही रहता है। टाइम इज कंटिन्यूस, आज हुआ कल हुआ परसों हुआ, ये कंटिन्यूस है, टाइम इज कंटिन्यूस। बट फॉर आर कन्वीनियंस यानी कि हमें हमारे हिसाब से हमें अपने हिसाब से वी डिवाइड इनटू पीरियड। हमें क्या क्या अपने हमने हमारे हिसाब के वजह से टाइम को डिवाइड किया है फॉर आर कन्वीनियंस, हमें जैसे लगे वैसे टाइम को हमने डिवाइड किया है। द मेथड दैट वी यूज फॉर रिकरिंग टाइम डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस फॉर डिवाइडिंग इट एंड द मैनर इन विच वी डू इट। टाइम को डिवाइड किया है लेकिन उस डिवाइड टाइम में हमें उस समय में क्या क्या करना चाहिए उस हिसाब से हमने टाइम को डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल एट सनराइज, सनराइज यानी कि सूरज उगेगा, सूरज उगता है ना, सनराइज। एट सनराइज वी से, जब सनराइज होती है तो हम क्या बोलते हैं, इट्स मॉर्निंग नाउ, अभी सुबह हो गई है सनराइज होने के बाद। इट इज द डे हैज बिगन यानी कि अभी मॉर्निंग है, अभी दिन की शुरुआत चालू हुई। एट सनसेट वी से, सनसेट के टाइम हम क्या कहते हैं, इट्स इवनिंग नाउ, अभी शाम हो रही है सनसेट के टाइम।
सून इट विल बी नाइट, और जल्दी क्या होगी, रात होगी। जब ये सनराइज होता है तभी हम कहते हैं इट्स मॉर्निंग, अभी दिन की शुरुआत हुई। सनसेट होता है तभी हम क्या कहते हैं, अभी इवनिंग टाइम है, शाम होने लगी है, और जल्दी क्या होगी, रात होगी, इट विल बी नाइट। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन खत्म होने के बाद इट बिकम्स डार्क एट इन इट्स नाइट। दिन खत्म होने के बाद क्या, पूरा अंधेरा होता है, और हम क्या कहते हैं, अभी रात हो गई है। दिस मीन्स दैट वी डिवाइड द डे इंटू टू पार्ट्स, डे एंड नाइट। देखा, इस हिसाब से हमने डे को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से टू पार्ट्स में, इट्स डे एंड नाइट। और डे एंड नाइट कैसे डिवाइड हुए ये हमें देखना है अभी। आर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एट अ सर्टन स्पीड। हमने लास्ट ईयर यूएस वन में भी पढ़ा था, अर्थ खुद से घूमती है, अपने आप से ही घूमती है वो अपने एक्सेस में। कौन, अर्थ। सिमिलरली इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वो अर्थ घूमती है और उससे ही वो सन के आजू बाजू भी घूमती है वो। सिमिलरली इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन एक ही जगह पे है, सिर्फ अर्थ अपना पृथ्वी वो सिर्फ घूमती है, अपनी पृथ्वी, अर्थ यानी कि पृथ्वी वो सिर्फ घूमती है, वो घूमने से वो सन के यहाँ से भी घूमती है। द सन हैज इट्स ओन लाइट, सन को अपनी खुद की लाइट है। वी रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, और हम सन से लाइट लेते हैं। हाउएवर वी सी लाइट ओनली इन डे टाइम, और सन से लाइट हमें कब कब देखती है, सुबह के टाइम। आप बोलते हो ना इतनी धूप है, आप बाहर निकलो आप बोलते इतनी धूप है, वो कहाँ से, सन से। सन वो लाइट हमें देता है, इसलिए वो डे टाइम में। सन कभी लाइट देता है, डे टाइम में। नाइट्स आर डार्क, और नाइट्स क्या होती है, डार्क होते हैं, अंधेरा होता है। हाउ डज इट्स हैपन, और ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो देखो। एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सेस, दैट पार्ट ऑफ इट्स सरफेस विच टर्न्स टूअर्ड द सन बिकम्स ब्राइट। देखो, अर्थ अपनी इस तरह से ही घूमती हो, लेकिन जब अर्थ सन के सामने आई, जब अर्थ सन के सामने आई तो अर्थ पे उजेला होता है, यानी कि वो अपना डे टाइम। अर्थ जब सन के सामने आई तभी हमें उजाला मिलता है, उजाला होता है, राइट, तभी वो होता है डे टाइम। जैसे अर्थ स्लोली 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 घूमती है तो वहाँ पे क्या होता है, डार्कनेस यानी कि नाइट होती है। द पार्ट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द सन मूव्स इनटू डार्कनेस। जब सन अर्थ जब सन के सामने होती है तभी वहाँ पे उजाला होता है, और स्लोली स्लोली अर्थ घूमती है तो वहाँ का पार्ट्स क्या होता है, डार्कनेस में होता है, मतलब होती है रात। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने खुद के एक्सिस में अर्थ कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स, 24 आवर्स। दिस 24 आवर्स आर approximately divided into 12 hours of daytime and 12 hours of night time. देखा, students confused में था, अर्थ है
अपने ओन एक्सिस में घूमने के लिए वो 24 आवर्स लेती है और वो 24 आवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, 12 आवर्स में डे और 12 आवर्स में नाइट। ओके, अ पीरियड ऑफ डे एंड द फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक अ वन डे। और डे टाइम और नाइट इन दोनों को एक साथ किया तो वो होता है एक दिन, इट्स मेक अ वन डे। तो आपको समझ में आया वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, 24 आवर्स का एक दिन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सेवन डेज फ्रॉम मंडे टू संडे मेक वन वीक। स्टूडेंट्स 24 आवर्स जब होता है तभी क्या होता है वन डे, तो सेवन डेज मंडे टू संडे सेवन डेज होता है तभी क्या होता है वन वीक, और टू वीक्स होता है तभी क्या होता है फोर्टनाइट, तो आप क्या बोलते हो 15 दिन हो गए, दो वीक बीतने के बाद आप क्या बोलते हो 15 दिन हो गए, उसको कहते हैं फोर्टनाइट। फोर वीक्स मेक अ मंथ, फोर वीक्स यानी कि कितने दिन हुए 30 डेज, फोर वीक्स मेक अ मंथ, 12 मंथ्स मेक अ ईयर, 12 मंथ्स हुए जनवरी टू दिसंबर, ये 12 मंथ्स होने के बाद क्या होता है वन ईयर। इन दिस मैनर वी रेकन टाइम इन बिगर एंड बिगर यूनिट्स, और इस समय से हमें बड़े से बड़े इन टाइम को डिवाइड किया है। वन ईयर इज फॉलो बाय अनदर एंड व्हेन 100 इयर्स अगो बाय अ सेंचुरी इज कंप्लीटेड। वन ईयर इज फॉलो, अगर एक साल को फॉलो करें, एक साल दो साल तीन साल ऐसे होते गए, अगर 100 साल हुआ तो क्या कहते हैं हम, इट्स अ सेंचुरी। क्रिकेट आप देखते हो, सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बनाए तो आप क्या बोलते हो, सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाई, राइट। वैसे ही वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर ऐसे बीत गए और 100 इयर्स कंप्लीट हुए तो हम लोग कहते हैं इट्स कंप्लीट अ सेंचुरी। When 10 सेंचुरी दैट इज 10,000, 10 सेंचुरीज दैट इज 1,000 ईयर्स आर गॉन। ऐसे ही 10 सेंचुरी, ऐसे 10 सेंचुरी हुई तो क्या कंप्लीट होता है 1,000 ईयर्स, और उसे हम कहते हैं मिलेनियम इज कंप्लीटेड। हंड्रेड ईयर्स मीन्स वन सेंचुरी, हंड्रेड ईयर्स मीन्स वन सेंचुरी। जैसे 10 सेंचुरीज कंप्लीट हुए तो कितने ईयर्स हुए 1,000 ईयर्स हुए, तो हम लोग कहते हैं मिलीनियम इज कंप्लीट। सच अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इज नोन एज अ यूनिलीनियर डिविजन ऑफ टाइम, और इस मेथड इस टाइम को जैसे हम डिवाइडिंग करते उसे हम क्या कहते हैं यूनिलीनियर डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन इरा एंड क्रिश्चियन इरा, ये कैसे फॉलो हुआ और ये कब फॉलो हुआ इस द ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट स्टे होम स्टे सेफ।